आज का प्रोग्राम हमारा ब्लू वाटर देखने के लिए जा रहे हैं। ये सामने देखें, ये नहीं जा रही मेट्रो ट्रेन, इसके साथ ये रोड बना हुआ है जो सीधा यानी ब्लू वाटर की तरफ जा रहा है। ये दुबई सेंटर से होता हुआ रोड मेन रोड है इसका, जो यानी ब्लू वाटर जो एक मशहूर अट्रैक्टिव पॉइंट है वहाँ जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये मेट्रो का रोड भी बना हुआ है। इस तरह आपको इस वीडियो में मेट्रो ट्रेन भी दिखाई दे रही है और साथ में यानी ये रोड भी जा रहा है। और नीचे से देखें कितनी ब्रिजेस लगी हुई है, और इस तरह यानी पुलों ब्रिज से नीचे से गाड़ी आस्ता आस्ता यानी देखें ये सामने जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये ब्लू वाटर के किनारे समंदर है वहाँ पर वाक़ हैं। इस तरह ये खूबसूरत नज़ारा बिल्डिंग्स का जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो बहुत खूबसूरत अंदाज में बनी हुई बिल्डिंग्स जो हैं आपको ये नहीं देखें। सामने सी व्यूज नज़र आ रहा है, ये सामने देखें ये इसकी ब्रिज है। तो इस तरह ये खूबसूरत नज़ारा आपको ये नहीं ब्लू वाटर पर देखने के लिए मिलेगा। ये समंदर का किनारा है और साथ में खूबसूरत अंदाज में बनी हुई जदीद किस्म की बिल्डिंग्स हैं। ये इसका पार्किंग है जिसके अंदर हमारी गाड़ी दाखिल हो चुकी है। अब हम आस्ता आस्ता यानी ब्लू वाटर जो यानी जगह है, मशहूर जगह है, यहाँ सैकड़ों की तादाद में डेली टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं। सामने वो समंदर है, उसके अंदर देखें ये क्रूज शिप वगैरह चल रहे हैं, और ये एक बड़ी स्क्रीन बनी हुई है, इस पर म्यूज़िकल प्रोग्राम चल रहा है जिस पर देखें एक लड़की सामने नाच रही है, लोग उसे देख रहे हैं। इस तरह यानी ये आपको यहाँ पर इस तरह के मंजर देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह सामने देखें ये लंबे लंबे देखें ये किस तरह लगे हुए हैं बिल्डिंग्स के अंदर, ये तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। रात को तो और भी लाइटनिंग में खूबसूरत चमकने लगते हैं। इस तरह यानी आपको देखें यहाँ पर बड़ी बड़ी एड्स मिलेंगी दीवारों पर चपकी हुई, और ये देखें सामने समंदर, और उसके सामने देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इस तरह मंजर पेश कर रहा जैसे यानी आप सिंगापुर का मंजर है, तो ये सिंगापुर की तरह का ही बनाया गया है सिस्टम। ये देखें एक खूबसूरत ब्रिज बनी हुई है, ये समंदर के ऊपर बनाई गई ब्रिज है, और यानी इसमें हमें यानी देखें सामने जो बिल्डिंग्स कितने खूबसूरत अंदाज में बनाई गई हैं। इस तरह का व्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इस तरह यानी ये छतरीनुमा कई यानी यहाँ पर बने हुए हैं, ये झोपड़े आपको और भी खूबसूरत लगेंगे यहाँ पर। ये देखें सामने समंदर है, ये इसके ऊपर ब्रिज है, और सामने ये खूबसूरत बनी हुई इमारत, लंबी ब्रिज है, छोटी नहीं है, आधे किलोमीटर में फैली हुई ब्रिज है। इसके साथ साथ ये झील समंदर की तरह लगती है। इस तरह इसके साथ यानी ये जदीद तरह की बिल्डिंग्स जो बनाई गई हैं जो सिंगापुर की तरह पर है। इस तरह आपका व्यू, ये व्यू इस तरह लगेगा जैसे आप सिंगापुर में घूम रहे हैं। इस तरह बना हुआ ये देखें, ये ब्रिज पर कई लोग विजिटर्स आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, इस तरह यानी हर कोई यहाँ पर तफरी के लिए आता है, और इसका कोई टिकट वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। इसमें देखें शिप भी चलते हैं छोटे छोटे, जो यानी टिकट है पूरे यानी समंदर की सैर और तफरी हमें कराते हैं। इस तरह का व्यू आपको देखें यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में चमकती हुई बिल्डिंग्स जो मिलेंगी। अब ये दोपहर का वक्त है, शाम का 5 बजे का। इस तरह यानी सूरज भी अपनी तपश यानी कुछ कमज़ोर कर चुका है। ये देखें सामने सूरज का मंजर आपको दिखाया गया, देखें थोड़ी उसकी रोशनी तपश जो कम है, और ये कि येलो कलर में फैल गया है, और इसकी येलो रोशनी जब समंदर की रेत पर पड़ती है तो देखें रेत इस तरह सुनहरी नज़र आती है, और फर्श भी हमें सुनहरी तरह नज़र आता है। इस तरह ये गोल्डन व्यू आपको समंदर का यहाँ पर ब्लू वाटर पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसे ब्लू वाटर कहा जाता है, ये यहाँ पर बहुत मशहूर जगह है। देखें पानी देखें समंदर का आपको ब्लू नज़र आ रहा है, बिल्कुल ब्लू, क्लोज करके मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। इस तरह यानी आप देखें ये
समंदर का ब्लू वाटर, उसके साथ यानी सूरज की यानी किरणें जब यानी इस रेत पर गिर रही हैं तो वो सूरज जो है येलो कलर में हो गया। शाम का वक्त है इसलिए यानी रेत भी आपको येलो दिखाई देगी। और देखें फर्श की शाइनिंग भी जो देखें मिरर की तरह चमक रहा है येलो टाइप कलर में। इस तरह यहाँ पर देखें छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं जो यानी मुसाफिर वगैरह टूरिस्ट जब वॉक नहीं कर सकते हैं वो इस तरह की गाड़ी यूज़ करते हैं, किराए पर लेते हैं। इस तरह यानी सारा यानी बड़ी वॉकिंग किनारा बना हुआ है इस यानी समंदर के किनारे पर, यानी एक बड़ी यानी लंबी यानी मीटरों में फैली हुई ये वॉकिंग स्ट्रीट ही समझें आप इसको। इस पर यानी लोग यानी वॉक भी कर सकते हैं, दौड़ भी लगा सकते हैं, वर्जिश भी कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्क भी लगे हुए हैं जहाँ बैठकर आप सुकून से यानी यहाँ का यानी लुत्फानंदोज़ माहौल से यानी आप और भी यानी पुरसकून हो सकते हैं। इस तरह ये छोटी छोटी साइकिलें भी किराए पर मिल जाती हैं तो यानी पैसे टूरिस्ट जो ऐसे शौक से चलाते हैं तो उनकी वर्जिश वगैरह भी हो जाती है। इस तरह की वॉकिंग कोई साइकिल पर करता है, कोई चलते हुए वॉक करता है, यहाँ का यानी व्यू आपको इस तरह मिलेगा। इस तरह देखें ये शिप्स के अंदर फेरी जो चल रही है तेज़ी से, ये भी यानी अपना किराया लेती है लेकिन लोगों को घुमाने फिराने में, समंदर की सैर वगैरह कराने में। इस तरह देखें ये ब्रिज जो है बनी हुई है, ब्रिज देखें कितनी लंबी बनी हुई है। इस तरह यानी आप यहाँ पर ब्रिज पर वॉक करते करते सूरज की रोशनी के साथ साथ समंदर का ब्लू वाटर भी और खूबसूरत इमारतों को चमकते हुए देखें, किरणें जगह सूरज की येलो रोशनी इस पर लग रही है, कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रही है, दिलकश नज़ारा है और यानी दिल फरेब नज़ारा भी है। इस तरह का व्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये है यानी ब्लू वाटर पॉइंट जो यानी एक अट्रैक्टिव पॉइंट है दुबई शहर में। इस तरह ये देखें सामने स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन पर म्यूज़िक वगैरह शो चलते रहते हैं, लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए कुछ देर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और जिसको नाचने का शौक है तो वो नाचते भी हैं इस तरह के म्यूज़िकल प्रोग्राम पर, और लोग बहुत यानी एंटरटेनमेंट करते हैं इससे यानी उनको यानी इस तरह का दिलफरेब मंजर मिलने देखने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये है खूबसूरत जगह जिसे कहते हैं ब्लू वाटर, दुबई का जो मशहूर है अट्रैक्टिव पॉइंट है, सियाहों का यानी मरकज़ है, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये लंबी सी स्ट्रीट बनी हुई है जो आप समुंदर के किनारे पर देख रहे हैं, इस तरह का यानी व्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल। इस तरह ब्लू वाटर जो टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ पर आपको छोटे छोटे शॉप्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट भी मिलेंगे और फूड यानी फास्ट फूड के शॉप्स भी मिलेंगे। इस तरह यानी खाने पीने की चीज़ें सब मिलती हैं। इस तरह देखें बच्चों के खिलौने के लिए भी ले बैठा आदमी ये खिलौने भी बेच रहा है, इस तरह का यानी ऐसे समझ छोटा बाजार है। इस तरह अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, ब्लू वाटर का पॉइंट देखने के बाद हम आगे रवाना हो चुके हैं, अगर टाइम मिला तो कोई और पॉइंट देखेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ये चमकती हुई बिल्डिंग्स जो है यहाँ की जदीद बनी हुई बिल्डिंग्स आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, किस तरह खूबसूरत लंबी लंबी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं जैसे सिंगापुर में आप घूम रहे हैं, इस तरह का मंजर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। थैंक्स। ओके, फ़िलहाल यहाँ तक काफ़ी है, आगे हम और वीडियो बनाएंगे जो आपको दिखाएंगे। मदन माली ट्रैवल द वर्ल्ड, बराए मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और आइकॉन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।